सर प्रशांत की नए वॉचिंग लेशन यूट्यूब चैनल। सो दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ग्राइन एंड वैक्सीन के ऊपर, और एग्जैक्टली हम इसमें दो वैक्सीन जो आने वाली हैं उनके बारे में बात करेंगे, जैसे कोवैक्सीन एंड कोविशील्ड। मैंने पहले से नोट्स बना के एग्जैक्टली रख लिए हैं, जिससे कि मैं आपको अच्छी तरह से एजुकेट कर सकूँ, नॉलेज दे सकूँ। एक्चुअल में ग्राइन एंड वैक्सीन है क्या? ग्राइन एंड वैक्सीन एग्जैक्टली एक ट्रायल है, रिहर्सल बेस है कि वैक्सीन जब आएगी, कैंपेन जब किए जाएंगे लोगों के सामने, उन लोगों को लगाया जाएगा, ट्रीटमेंट दिया जाएगा, तो किस हिसाब से कर सकते हैं कि नहीं, हम उस चीज़ के लिए तैयार है कि नहीं। तो हाँ, ग्राइन एंड वैक्सीन एक तरह का रिहर्सल है, जो देखा जाए 28 दिसंबर 2020 से लेके 2 जनवरी 2021 तक चला था, काफ़ी सही रहा, कोई प्रॉब्लम नहीं आई। टारगेट जो था वो था 30 करोड़ लोगों का। एग्जैक्टली क्या क्या शो नहीं किया गया है कि 30 करोड़ लोगों को लगाया गया है कि नहीं। चार जो राज्य थे काफ़ी हाईलाइट किए गए, वो थे असम, आंध्र प्रदेश, गुजरात और पंजाब। बाकी जगह भी किया गया, जैसे आगरा में भी किया गया था, जो कि उत्तर प्रदेश का है, लेकिन किसी को कोई परेशानी नहीं हुई। इसमें जो प्रायोरिटी दी गई वो 3 लोगों को सबसे ज़्यादा दी गई थी। वो थी, सबसे पहला जो था वो था हेल्थ केयर के वर्कर्स, यानी कि डॉक्टर्स और नर्सेस का। देखा जाए तो बिल्कुल सही है, इस कोरोना काल में जो उन्होंने अपने आप को, मतलब एक जो उन्होंने योगदान दिया, वो बहुत ही सल्यूट करने वाला है, मानना पड़ेगा। काफ़ी सारे लोगों ने अपने अपने तरीके शो किए, जैसे कि पुलिस वालों के ऊपर थूकना, या फिर जानबूझ के, मतलब समझ रहे हो ना, लेकिन फिर भी डॉक्टरों ने काफ़ी सपोर्ट किया, नर्सों ने काफ़ी सपोर्ट किया। वो बात अलग है कि हमने भी अपनी तरफ से उनका काफ़ी सही तरीके से सम्मान किया था, या मोदी जी ने कहा। अच्छा, तो दूसरे जो आते हैं वो आते हैं 50 साल से ऊपर के लोग, 50 साल के ऊपर के लोग, और जो बीमारी से जूझ रहे हैं। ये इन 3 लोगों को सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी सबसे पहले दी गई, और आगे भी दी ही जाएगी। उसके बाद जो आता है वो आता है कि क्वेश्चन वो है, मॉक ड्रिल डाटा क्या होता है? मॉक ड्रिल डाटा वो यही चीज़ है कि मौखिक रूप से लोगों को बताना कि कितने, एक अनुमान लगाना कि इतने कोरोना पेशेंट हैं, इतनों को वैक्सीन लगाई जाएगी, इतनी इस तरह से लग चुकी है। सो दीज ऑल थिंग्स नाउ क्या कंप्लीटली एनालिसिस, एक्यूरेट एनालिसिस डाटा। सो दैट्स द रीजन वी कैन कॉल द मॉक ड्रिल डाटा। अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ये बार बार हाईलाइट में कर रहा हूँ, और क्योंकि वहाँ पे भी हाईलाइट की बार बार बोला जा रहा है कि अभी तो कोई दिक्कत नहीं आई है, ये काफ़ी अच्छी बात है। अच्छा, इस जब ये वैक्सीन पूरी तरह से तैयार हो जाएगी और ऑफिशियली पब्लिश हो जाएगी, तो किस हिसाब से आप इसमें रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं कि आपको भी वो वैक्सीन लगवानी पड़े, वो टीका लगवाना पड़े? तो वो है कि कोविन, यानी कि COVIN नाम की एक तरह की वेबसाइट आएगी, उस वेबसाइट पे आपका रजिस्ट्रेशन हो सकता है, और फिर सेंटर बनाए जाएंगे, वो सेंटर में 3 बेस रूम होंगे, ये भी हम बात करते हैं। तो जो रजिस्ट्रेशन की जो लिंक होगी, चैट इस क्लिप के अपलोड हो जाने के बाद, यानी कि जब वो ऑफिशियली वेबसाइट पब्लिश हो जाएगी, तो मैं हाँ अपनी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर वो लिंक दे दूंगा, तो आप आसानी से उसको चेक कर सकते हैं, या वहाँ पे जाके रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ओके, एंड देन सेंटर जो होंगे वो 3 बेस रूम पे, जैसा कि मैंने बताया। तो वो 3 बेस रूम किस हिसाब से होंगे? पहला होगा वेरिफिकेशन, दूसरा होगा वैक्सीन लगाने वाले, यानी कि पहले होगा वेरिफिकेशन, आप ये चेक किया जाएगा कि हाँ आप कोरोना पॉजिटिव हो या नहीं हो। दूसरा जो है वो है कि दूसरे वाले रूम में वैक्सीन लगाया जाएगा, एंड तीसरे वाले जो रूम है वो है ऑब्जर्वेशन, फीडबैक चेक करने के लिए कि अब आगे कोई दिक्कत आ तो नहीं रही है। तो ये एक ग्राइन एंड वैक्सीन का था। इसमें जो बात आती है कि क्या इससे पहले भी इस तरह का कुछ हो चुका है? जी हाँ, 2 से 3 साल पहले भी ये बात कही जा रही है कि मिजल्स रूबेल वैक्सीन नाम का एक कैंप लगाया गया था, जो कि सही रहा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आई, वहाँ पर भी इस तरह की प्रॉब्लम नहीं। पर आज का जो टॉपिक जो मेरे क्लिप का है वो है कोरोना से रिलेटेड, मैं जरूर इससे रिलेटेड भी जरूर बनाऊंगा, जो कि मिजल्स रूबेल वैक्सीन के ऊपर है। तो अब बात कर लेते हैं हम वो वैक्सीन जिसका हमें इंतजार है। सबसे पहली है कोवैक्सीन। कोवैक्सीन एग्जैक्टली भारत बायोटेक जो हैदराबाद में स्थित है वहां पर प्रोड्यूस करी गई है, और ये कैसे बनी है? ये मृत कोरोना का यूज यहाँ पर किया गया है, यानी मरे हुए कोरोना का यूज किया गया, जिससे कि जो हार्मफुल नेस है, हानिकारक हैं, वो उसके जो चांसेस हैं, रिस्क के जो चांसेस हैं, वो काफ़ी घट जाते हैं। दूसरा कि ये एंटीबॉडीज को प्रोड्यूस करती है हमारे अंदर, तो काफ़ी अच्छी चीज़ है। दूसरी जो बात आ जाती है वो है कोविशील्ड से रिलेटेड। अच्छा, मैं यहाँ पे बता दूँ, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, कोवैक्सीन के जो इफेक्ट हैं वो यहाँ पर ऑफिशियली शो नहीं किए गए हैं अभी, कोविशील्ड के कर दिए गए हैं, जिसके बारे में आपको आगे मैं बताता हूँ। कोविशील्ड के एक्चुअल में जो पुणे में जो स्थित है सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, यहाँ पर इस नाम से टीका, कोविशील्ड का टीका यहाँ पर ईजाद किया गया है। यहाँ पर 5 करोड़ के उत्पादन किए बताए जा रहे हैं। अच्छा, अभी तक यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि 800 से 2000 लोगों पर ये कर दिया गया है, और कोई ऐसा प्रॉब्लम नहीं आई है, और उसका जो इफेक्ट रेट है वो है 70%, इतना कारगर रहा है। लेकिन 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 मॉडर्न और फाइजर, ये दो और कंपनियाँ हैं, उनसे ये कम एक्टिव या कम प्रभावी
कम इफेक्टिव बताई जा रही है। तो हाँ वो दोनों देखा जाए तो ये एक अच्छी चीज लगी, बिकॉज कोवैक्सीन से रिलेटेड यहाँ पे इस तरह की कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है, जिसी कोविशील्ड के बारे में दी गई है। अब ये कैसी बनी है, इसका जो यहाँ पर इसका जो विकास किया गया, इसका जो डेवलप किया गया था वो था कॉमन कोल्ड एंग्रियो वायरस से रिलेटेड किया गया था, वहां से ये चीज को ईजाद किया गया है। तो अगर आप कहेंगे कमेंट सेक्शन में जरूर लिख देना, जैसे कि मैंने इसके आगे भी अभी कुछ समय पहले भी मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर आप कहेंगे तो बेशक मिसल्स रूबेल वैक्सीन के ऊपर भी मैं बना दूंगा, और दूसरा व्हाट इज द मीन ऑफ दिस कॉमन कोल्ड एंग्रियो वायरस के ऊपर भी मैं बना दूंगा क्लिप, नेक्स्ट होगी। लेकिन ये अभी गाइडेंस वैक्सीन कोविशील्ड के ऊपर है, तो हाँ चलिए ठीक है। तो ये दो वैक्सीन है जो उम्मीद की जा रही है कि ये काफी अच्छी रहेंगी, बाकी देखते हैं बाकी। लेकिन इसके साथ साथ ही हमारे यहाँ पे फर्ज खत्म नहीं हो जाता, हमारा फर्ज यहाँ पर ये भी बनता है कि इस वैक्सीन आ जाने के बाद, बिकॉज ये एग्जैक्टली वैक्सीन ही भाई देखो किसी का 70% है और किसी का भी पब्लिक शो भी नहीं किया गया है ना कि इसके क्या इफेक्ट नहीं है। तो हमें अब ये कहा जा रहा है कि भाई क्या कोरोना पहले जैसा पूरी तरह से खत्म हो जाएगा, कि हम पहले की तरह 2019 की तरह 2018 की तरह अच्छी तरह से जी सकते हैं, कॉमन लाइफ जी सकते हैं। मेरे हिसाब से नहीं, जितना मैं मेडिकल रिसर्च फील्ड से मैं बिलोंग करता हूँ मुझे अच्छी तरह से पता है कि अब वो वैसा नहीं होगा। हमें अब जानबूझकर देखा जाए तो भाई मास्क लगाना पड़ेगा, बार बार हाथ सैनिटाइज करने पड़ेंगे, लोगों से दूरी बना के रखनी पड़ेगी, और हाँ सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करना पड़ेगा। भाई हमें अपने आप को बचाना है। वैक्सीन एग्जैक्टली भाई इतनी जल्दी ये बनाई जा रही है, आई होप कि 2021 के लास्ट तक अच्छी तरह से हो जाएगा, बिकॉज 2 साल तो लगती ही है किसी भी वैक्सीन की ट्रायल बेस पे, कि क्या पता दोबारा ना आ जाए। भाई इस तरह से हो चुका है कि काफी सारे लोगों को ट्रीटमेंट पहले चली थी, अमित शाह के ऊपर भी ये बात हुई थी कि भाई वो ठीक हो चुके हैं, फिर दोबारा उनको आ गया, उन वो दोबारा पॉजिटिव हो गए। तो हाँ हमें ये चीजें जाननी चाहिए कि एग्जैक्टली वैक्सीन से ज्यादा भाई जब तक हम अपने आप का ख्याल नहीं रखेंगे, हम इन सब बातों का ध्यान नहीं रखेंगे, तो कोई मतलब नहीं बनता। वैक्सीन कितनी भी लगा लीजिए, कितनी भी एंटीबॉडीज पर यूज कर लें, अगर हम लापरवाह हैं तो भाई प्रॉब्लम हो सकती है। हमें अपने आप का, दूसरे का भी, अपनी फैमिली का भी ख्याल रखना है, इस देश का भी ख्याल रखना है। सो आई होप कि आपको मेरी बातें अच्छी तरह समझें। आई होप ग्राइंडन वैक्सीन, कोवैक्सीन और कोविशील्ड के बारे में मैंने अच्छी तरह से आपको बता ही दिया। आई होप कि आपको ये क्लिप नॉलेजेबल लगी हो, अगर अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।